नमस्कार, दिस इज़ हिमांशु भूषण श्रीवास्तव, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ SRMGPC लखनऊ। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 लोड फ्लो एनालिसिस। जैसा कि मैंने इसके लेक्चर नोट्स आपको पहले ही गूगल क्लासरूम के माध्यम से शेयर कर चुका हूँ, बट कुछ टॉपिक्स को हम ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। और उसी लेक्चर सीरीज में ये पहला लेक्चर है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाई बस मैट्रिक्स। तो किसी भी बस पे मेनली 4 क्वांटिटीज डिफाइंड होती हैं, जिनमें पहली क्वांटिटी है इंजेक्टेड एक्टिव पावर PI, सेकेंड क्वांटिटी होती है रिएक्टिव पावर QI, थर्ड क्वांटिटी होती है वोल्टेज मैग्नीट्यूड VI एंड फोर्थ क्वांटिटी होती है लोड एंगल डेल्टा। हियर दीज क्वांटिटीज आर डिनोटेड फॉर ith बस। तो हम एक ith बस ले लेते हैं और इस ith बस पर एक जनरेटर कनेक्टेड है, दैट इज जनरेटेड पावर SGI, और इसी बस से एक लोड कनेक्ट है जो टोटल पावर डिमांड कर रहा है SDI। देन ये ith बस नेक्स्ट किसी बस से कनेक्टेड है, तो इस टोटल बस पे पावर जो इंजेक्ट होगा, दिस पावर इज गिवन बाई SI इज इक्वल टू SGI माइनस SDI। हमें पहले ही ये मालूम है कि कॉम्प्लेक्स पावर इज गिवन बाई S इज इक्वल टू P प्लस JQ। सो कॉम्प्लेक्स पावर जनरेटेड SGI इज इक्वल टू PI प्लस JQI एंड कॉम्प्लेक्स पावर डिमांडेड SDI इज इक्वल टू PDI माइनस प्लस JQDI। सो कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड एट दिस बस SI इज गिवन एज PI, दिस इज PGI एंड QGI, PGI माइनस PDI प्लस JQGI माइनस QDI। देन ये बस पावर को इस लाइन पे पावर इंपोर्ट करेगी या इस लाइन पे पावर इंजेक्ट करेगी, ये डिपेंड करता है एस जनरेटेड पावर और डिमांडेड पावर की क्वांटिटी पर। इफ जनरेटेड पावर इज ग्रेटर देन डिमांडेड पावर, देन इंजेक्टेड पावर इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस बस इज नोन एज एक्सपोर्टिंग, दिस बस इज नोन एज एक्सपोर्ट बस एंड इट विल एक्सपोर्ट पावर। एंड इफ जनरेटेड पावर इज लेस देन डिमांडेड पावर, देन SI लेस देन 0 एंड दिस बस विल इंपोर्ट पावर एंड नोन एज इंपोर्ट बस। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वाई बस मैट्रिक्स। बेसिकली वाई बस मैट्रिक्स फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर
carrying the load flow analysis and YBUS matrix is basically a mathematical model of the power system network, which represent the physical connectivity between different number of lines. तो इसका फॉर्मेशन हम समझेंगे. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ थ्री इंटरकनेक्टेड बस सिस्टम. हियर दिस इज बस नंबर वन एंड इट्स करंट इज आई वन एंड वोल्टेज इज वी वन. This is bus number 2, its incoming current is I2 and voltage is V2. This is bus number 3, its incoming current is I3 and bus voltage is V3. Bus number 1 is connected with bus number 2, so here current is small I12 and here current is small I21. Between bus number 1 and 3, here current is small I13 and here current is small I31. Here current is I23 and here current is I32. And the reactance or admittance between this line, between bus 1 and 2, is given as Y12. Here between bus 3 and 2 it is given as Y23, and here between bus 1 and 3 it is given as Y13. It is also can be denoted as Y21 or Y32 or Y31. तो हमारा यहाँ मोटो क्या है, बेसिकली हम यहाँ पे हर एक बस पर KCL का यूज करके इक्वेशंस को डिराइव करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट करते हैं फॉर बस नंबर 1. बस नंबर 1 बाय यूजिंग KCL. बस नंबर 1 पे KCL लगाते हैं, देन इनकमिंग करंट I1 एंड आउटगोइंग करंट इज I12 प्लस I13. देन द वैल्यू ऑफ I12 एंड I13 इज I12 इज करंट बिटवीन बस 1 एंड बस 2. वी नो दैट I इज इक्वल टू VY बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला. I12 इज इक्वल टू हियर एडमिटेंस इज Y12 एंड वोल्टेज डिफरेंस इज V1 माइनस V2 इंटू एडमिटेंस Y12 प्लस I13. I13 इज करंट बिटवीन बस नंबर 1 एंड बस नंबर 3. देन बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला वैल्यू ऑफ I13 इज इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस V1 माइनस V3 इंटू एडमिटेंस Y13. जस्ट अरेंज दिस इक्वेशन V1 Y12 minus V2 plus V1 Y13. This is equation for bus number 1. In the same way, if you want to write equation for bus number 2 and 3, then it will be like this. I2 is equal to I23 plus
I21, and the value of I23 is, it is current between bus 2 and 3, so voltage difference V2 minus V3 into admittance Y23 plus current I21, it is current between bus number 2 and bus number 1, so voltage difference V2 minus V1 into admittance Y21. Rearrange this equation, minus V1 Y21 plus V2 Y23 plus Y21 minus V3 Y23. This is equation for current I. Just write this equation here. I2 is equal to minus V1 Y12 plus V2 Y23 plus Y21 minus V3 Y23. Then इस इक्वेशन को हम बस नंबर 3 के लिए लिखेंगे. बस नंबर 3 पे करंट की वैल्यू I3 is equal to I31 plus I32. So I31 is current between bus number 3 and bus number 1. So its value will be V3 minus V1 Y31 plus I32 is current between bus number 3 and bus number 2. So its value will be V3 minus V2 Y1 Y32. Just rearrange this equation, minus V1 Y31 minus V2 Y32 plus V3 Y31 plus Y32. This will be equation for I3. And just write this equation here. I3 is equal to minus V1 Y31 plus minus V2 Y32 plus V3 Y31 plus Y32. Then we have equation for current I1, I2 and I3. So हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं. अगर हम इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, देन I1, I2, I3 इज इक्वल टू Y12 प्लस Y13 माइनस Y12 माइनस Y13. Then coefficient of V1 minus Y12, then coefficient of V2 Y23 plus Y23 plus Y21 minus Y23. Then for equation of current I3, coefficient of V1 is minus Y31, coefficient of V2 is minus Y32, and coefficient of V3 is Y31 plus Y32. And then column vector V1, V2 and V3. So here this square matrix of 3 cross 3 is known as Y bus matrix. Here the order of matrix is 3 cross 3 because we are developing Y bus matrix for 3 bus system.
If we develop it for n bus system, then we get y bus matrix of n cross n. Okay, in next lecture we will discuss about the properties of y bus matrix and some numerical problems on y bus matrix. Tab tak ke liye, good night, shubh ratri, stay home and stay safe. Thank you.